साहब जो अभी वोट डाल करके आ रहे हैं, पहले तो सर अपना वोट साइन दिखा दें प्लीज। आपको क्या उम्मीद है आज, किन मुद्दों को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने वोट डाला, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मैं जो लोगों से सीखता हूं कि उनकी जो मुश्किलें हैं, उनकी जो उनके महंगाई की मुश्किलें हैं, जो बेरोजगारी की मुश्किलें हैं, जो जिन लोगों से मैं मिलता हूं जो बहुत परेशान हैं काफ़ी समय से, ये उनका समय है और वो बदलाव चाहते हैं। वो इसलिए मैं विनती करता हूं कि वो बाहर आएं और अपने मत का इस्तेमाल करें। एक आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कि बदलाव होगा, इस बार इंडिया अलायंस एनडीए को रोक पाएगा? ज़रूर, मुझे पता है, मैं हर जगह गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, वो बदलाव चाहते हैं। वो भेदभाव की जो राजनीति है और जिससे खाली दिखावे की राजनीति है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। ब्रदर इन लॉ सामने खड़े दिख रहे हैं, आपको लगता है राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं जो गठबंधन चाहेगा, और मैं वाड्रा क्या चाहता, मैं चाहता हूँ, मैं राहुल को जानता हूँ, मैं उनकी जो मेहनत को जानता हूँ, जो उनकी सोच है, इंदिरा जी की, राजीव जी की, जो उनके इरादे थे, वो पूरा करेंगे राहुल जी। से बात करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा साहब, जिन्होंने वोट डाला और उनका साफ संकेत है, वो कहते हैं मैं राहुल गांधी को जानता हूँ, देश के लिए सोचते हैं, और उनको इस बात का पूरा उम्मीद है कि इस बार इंडिया अलायंस एनडीए को रोकने में कामयाब होगा। रॉबर्ट वाड्रा, जिन्होंने अभी अभी यहाँ सरदार पटेल विद्यालय लोधी स्टेट में अपना वोट डाला। आशीष कुमार सिंह, ABP News, दिल्ली।